रजनी तिवारी और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। दिन भर की खास सुर्खियां। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति देवी और काराकाट विधायक संजय यादव को आचार संहिता उल्लंघन करने के मामले में सासाराम न्यायालय ने बाइज्जत रिहा किया है। बताया जा रहा है कि चुनाव के दौरान 2009 में विक्रमगंज थाने में आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला दर्ज हुआ, जिस केस को लेकर आज सासाराम न्यायालय ने बाइज्जत रिहा किया है। जिला के विभिन्न इलाकों से छापामारी अभियान चलाकर रोहतास पुलिस ने शराब पीने और बेचने के मामले में कुल 7 की संख्या में आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए हुए व्यक्तियों को कोविड-19 की जांच कराने के बाद जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। अग्रेर थाना की पुलिस ने शराब के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि दोनों व्यक्ति बहुत दिनों से शराब का व्यापार कर रहे थे। अग्रेर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। छिनारी थाना अंतर्गत जगडीहरा गांव से सांप काटने से एक व्यक्ति की बिगड़ी अचानक तबीयत। इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती व्यक्ति की हालत गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए बनारस के लिए किया गया रेफर। करहगर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय में एमडीएम का भोजन 12 दिनों से बंद हो जाने के कारण बच्चों ने शोरगुल मचाया, जिसके बाद एमडीएम के महिलाओं से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि सामग्री मौजूद न होने के कारण हमने 12 दिनों से खाना बच्चों को नहीं दिया है। अब बढ़ते हैं रोहतास जिले की सबसे बड़ी खबर की ओर। 2016 में बिहार सरकार ने एक कानून बनाया था, उस कानून का नाम था मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम। इस कानून के तहत बिहार सरकार ने यह ऐलान किया था कि पूरे बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून लागू हो जाने चाहिए, जिसको लेकर बिहार सरकार ने जिला के प्रशासन को बहुत ज्यादा दबाव भी दिया था। शराब मुक्त अभियान भी चलाया गया, न जाने जिला प्रशासन ने कितने सारे हथकंडे अपनाए शराबबंदी कानून को लागू कराने के लिए। लेकिन बिहार में आज भी शराबबंदी कानून लागू होते हुए नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बिहार में अगर शराबबंदी कानून पूर्ण रूप से लागू हो गई होती तो बिहार में जहरीली शराब के कारण लोगों की मौत नहीं होती। 2016 के बाद अगर आप मौत की आंकड़ा चेक करेंगे तो सबसे ज्यादा मौत जहरीली शराब पीने के कारण हुई है। यदि बिहार में शराब बंद है तो बिहार में शराब कहाँ से आती है? ऐसी ही घटना रोहतास जिले से निकल के सामने आ रही है, जहां शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई है। बताया जाता है कि इन लोगों ने जहरीली शराब का सेवन किया है, जिसके बाद लोगों की मौत हुई है। सबसे पहले तो 2 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद 4 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। फिर इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन आज सुबह उनकी भी मौत हो गई। घटना बताया जाता है कि जहरीली शराब के सेवन के बाद लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और लोगों की मौत हो गई। बिहार सरकार के इतने हथकंडे अपनाने के बाद भी शराबबंदी कानून बिहार में लागू होते हुए नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आए दिन सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें और वीडियोस नजर आ रही है जहां शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। कई घरों के परिजन सरकार से मुआवजा मांगते हुए भी नजर आ रहे हैं कि हमारे घर के व्यक्ति की मौत हो गई है तो बिहार सरकार हमें कुछ मुआवजा दे। बिहार सरकार को अगर ये नियम लागू कराना है तो बिहार सरकार को कोई ठोस कानून अपनाना चाहिए, उसके बाद बिहार में शराबबंदी कानून का ऐलान करना चाहिए या फिर उसे पूर्ण रूप से लागू कराना चाहिए। अब देखना ये होगा कि बिहार सरकार शराबबंदी कानून को लेकर क्या कोई ठोस कदम उठाती है या ऐसे ही जहरीली शराब के कारण रोहतास जिले और बिहार में लगातार मौत की आंकड़ा बढ़ती जाएगी। धन्यवाद। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।